रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पहली मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए इसे 4% पर ही स्थिर रखा है। रेपो रेट में 22 मई 2020 को आखिरी बार कटौती की गई थी, इसके बाद से रिकॉर्ड 4% के निचले स्तर पर बनी हुई। यूनानिमसली टू कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज्ड एट 4%। रेपो रेट कम ना होने से आपकी ईएमआई कम नहीं होगी। रेपो रेट वही रेट है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को कर्ज देता है। देश में आज नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल और सीएनजी की कीमतें, लेकिन तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी से हर जरूरी चीज महंगी हो रही है। महंगे होते पेट्रोल डीजल का दिखने लगा है असर। नींबू के दाम बढ़े, अब 10 रुपए में मिल रहा है 1 किलो नींबू। 1 किलो नींबू की कीमत 300 रुपए के पार है। नागपुर में भी नींबू हुआ महंगा। 100 नींबू के लिए थोक खरीदारों की भी चुकाने पड़ रहे हैं 500 से 600 रुपए। लखनऊ में महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस भिड़ंत। राजभवन की ओर जाने की कोशिश करने से पुलिस ने रोका तो बहस, पुलिस को करनी पड़ी लाठीचार्ज। महंगाई को लेकर देश भर में कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली लखनऊ समेत कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। काम करो, महंगाई कम करो। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महंगाई पर करी की बड़ी बैठक। कहा, मोदी राज में देश की अर्थव्यवस्था ऐसी हो रही है कि कुछ दिन बाद राज्य कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पाएंगे। गोरखनाथ मंदिर में आतंकी हमले के आरोपी मुर्तजा को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर बरसी बीजेपी। कहा, अखिलेश देते हैं आतंक को बढ़ावा। साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। अखिलेश जी को स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि अगर खुल करके बताएं, अगर उनको आतंकवादियों से इतनी मतलब अपराधियों से ऐसी, मैं अभी इस व्यक्ति को जो जांच के दायरे में है उसके बारे में इनको टिप्पणी कोई नहीं करनी चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। यूपी में अवैध निर्माणों पर चल रहा है योगी का बुलडोजर। मुरादाबाद में चड्ढा ग्रुप के अवैध निर्माण को ढहाया गया। पश्चिम बंगाल की बीरभूम हिंसा में सीबीआई ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4 हिंसा के बाद मुंबई भाग गए थे। दूसरे गिरफ्तार आरोपियों की पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर हुई चर्चा। महाराष्ट्र में मस्जिदों की अजान विवाद पर उद्धव की सरकार और शिवसेना में ने कहा, विवाद पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट दे चुका है आदेश। कोर्ट ने तय की है कितनी आवाज की सीमा। एमएनएस के राज ठाकरे ने अजान बंद कराने की धमकी दी थी। यूपी में सुन्नी काउंसिल ने कहा, कुछ हिंदू ताकतें अजान पर बेवजह विवाद खड़ा कर रही हैं। 2 से 3 मिनट होती अजान, इससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। बिहार के मंत्री जनक राम ने कहा, होली दीपावली छठ और हिंदुओं के दूसरे त्योहारों में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लग जाती है, लेकिन मस्जिदों में लाउडस्पीकर तेज आवाज में हमेशा बजता है, इससे आम आदमी और छात्रों को भी दिक्कत होती है। कर्नाटक की हिजाब गर्ल को लेकर अलकायदा के बयान पर बोले मुस्कान के पिता, आतंकियों से हमारा कोई कनेक्शन नहीं, जवाहिरी को नहीं जानते। जवाहिरी ने कहा था, लड़की ने दिल जीता। यूपी के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी की मांग, मदरसों में अलग ड्रेस सही नहीं, स्कूल जैसी ही यूनिफॉर्म होनी चाहिए। स्कूल एक ऐसी संस्था है जहां पे बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है,
और वहीं से उनकी नींव होती है। तो बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बहुत आवश्यक है, हमको नहीं लगता कि उसके लिए कोई भी कुछ कह सकता है। मध्य प्रदेश के सीधी में थाने में पत्रकारों और कलाकारों को अर्धनग्न करने के मामले में तूल पकड़ा। बवाल के बाद सीएम शिवराज चौहान ने तलब की रिपोर्ट, थानेदार समेत दो पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। और आइए अब कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं इसी फटाफट अंदाज में। जयपुर में बायोफ्यूल प्राधिकरण के सीईओ सुरेंद्र सिंह राठौड़ को एसीबी ने 5 लाख रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। राठौड़ के घर तलाशी में अब तक 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया गया है। बीजेपी आज प्रधानमंत्री आवास योजना दिवस मनाएगी। पार्टी कार्यकर्ता लाभार्थियों से करेंगे मुलाकात, उन्हें उपहार के तौर पर एलईडी बल्ब देंगे। आज रुचि सोया इंडस्ट्रीज का एफपीओ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में परंपरागत तरीके से घंटी बजाकर लिस्ट हुआ। इस मौके पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में योग गुरु रामदेव भी मौजूद थे। हमारा काम है लोगों को स्वास्थ्य देना, आज गौरव की अनुभूति है। रुचि सोया के सबका स्वास्थ्य और सबकी समृद्धि के भारत के आत्मनिर्भरता के इस अभियान में एक बड़ा सपना है। मुंबई के बाहरी इलाके वसई विरार में पीने के पानी की जबरदस्त किल्लत। पानी लेने के लिए ट्रेन के नीचे से जान जोखिम में डालकर दूसरे गांव जाते हैं मुंबई से 40 किलोमीटर दूर निशान डोगरी गांव के लोग। बहुत तकलीफ होता है, मैं 7 साल हो गई मेरे को पानी भरने को। इसी तरह से पानी भर रही है, देखो डब्बा कितना पानी नहीं मिलता है, 2 डब्बा 3 डब्बा नहीं, वो भी नहीं मिलता है। उत्तराखंड के पहाड़ी जंगलों में आग फैलती जा रही है। उत्तरकाशी के धरासू, बड़ाहाट, सेम, मुखेम और राड़ी टॉप में पहाड़ों पर जंगल धू धू कर जल रहे हैं। वन विभाग के कर्मचारियों के साथ ग्रामीण भी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। बिहार विधान परिषद की 23 सीटों के चुनाव में एनडीए को 13 सीट पर जीत। हालांकि आरजेडी 6 सीटें लेकर जेडीयू पर भारी पड़ी है। जेडीयू को आरजेडी से 1 सीट कम मिली है। यूपी के डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालने के बाद पहली बार सिराथू पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी सरकार की कैबिनेट में बदलाव। मंत्रिमंडल के 20 से ज्यादा मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। 11 अप्रैल को नए मंत्री सरकार में होंगे शामिल। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का दावा, हिमाचल में बीजेपी जल्द बदलेगी सीएम। जयराम ठाकुर को हटाकर अनुराग ठाकुर को मिलेगी कुर्सी, लेकिन चुनाव फिर भी नहीं जीतेंगे। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का पलटवार, बोले आप फैला रही है झूठ, हिमाचल में इसी साल के आखिर में होना है विधानसभा चुनाव। हिमाचल में अब विधायकों को वेतन भत्तों पर जेब से भरना होगा इनकम टैक्स। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद जागी सरकार, कैबिनेट ने दी मंजूरी, लाया जाएगा अध्यादेश। अब तक सरकार ही भरती थी टैक्स। कांग्रेस छोड़कर हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाने वाले निर्मल सिंह आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। बेटी चित्रा सिंह भी पार्टी में शामिल, अरविंद केजरीवाल ने किया स्वागत। चुनाव में हार के बाद नहीं खत्म हो रहा पंजाब कांग्रेस का झगड़ा। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में नवजोत सिंह सिद्धू और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बरिंदर ढिल्लों में हुई जुबानी जंग। छोटे भाई तू जो मर्जी बोलता रहे, मैं जो गल कही है उसी करूंगा, उसी करूं। सोनीपत में सरकारी अस्पताल में 18 लाख के घोटाले का आरोप। कोरोना काल में एम्बुलेंस के लिए दिए गए पैसे से लग्जरी गाड़ियां खरीदने का आरोप। आरोपों के घेरे में सिविल सर्जन। हरियाणा की सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया है कि वो किसी भी छात्र को किसी खास दुकान से किताबें, कॉपी, ड्रेस या जूते खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।
दिल्ली के पास नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराने की तैयारी और तेज धमाकों से इमारत को गिराने का टेस्ट 10 अप्रैल को होगा। कोर्ट के आदेश पर इमारत गिराने का काम चल रहा है। दिल्ली के नजफगढ़ में 6 साल के मासूम की संदिग्ध मौत, पुलिस को मिली थी दुर्घटना की सूचना। घर वालों का आरोप है कि हादसा नहीं हत्या है। यूपी के कौशंबी में महिला से रेप और हत्या के आरोपी को पुलिस ने मारी गोली। फरार आरोपी ने 15 दिन पहले महिला की गला रेतकर हत्या कर दी, उसके बाद रेप किया। 2 अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के रास्ते में बर्फ हटाने का काम तेज। हालांकि गर्मी की वजह से बर्फ पिघल रही है, लेकिन कई जगह बड़े बड़े ग्लेशियर बन गए हैं जिनसे हादसा होने का खतरा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने फिर गैर कश्मीरी को गोली मारी। घायल ड्राइवर सोनू शर्मा अस्पताल में भर्ती। पंजाब के पठानकोट का रहने वाला है सोनू। पाकिस्तान में सियासी उठापटक के बीच जारी है आतंकियों की साजिश। आतंकी कैंपों में 300 आतंकी मौजूद, किसी भी वक्त भारत में घुसपैठ करने की साजिश रच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकियों के हथियारों की बड़ी खेप बरामद। बॉर्डर पार पाकिस्तान से भेजे गए थे हथियार। राजौरी में स्कूली बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने गई टीम के साथ बदसलूकी। स्थानीय लोगों ने टीम को बंधक बनाकर भी रखा। आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज। लद्दाख में बिजली की पावर ग्रिड में चीन की ऑनलाइन सेंध लगाने की कोशिश। चीनी हैकर्स ने पावर ग्रिड पर किया था अटैक। मोदी सरकार बोली हमारा सिस्टम मजबूत है। ABP News आपको रखे आगे।